सीहोर जिले के जावर तहसील के ग्राम कजलास में ग्रामवासियों के साथ एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय व टीआई की उपस्थिति में आज शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नवरात्रि एवं दशहरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक मनाया जाए व धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, जिसमें रामलीला मंडल के अध्यक्ष फतेह सिंह दरबार, दशहरा उत्सव समिति अध्यक्ष किशोर सिंह पाटीदार, ग्राम पंचायत सरपंच राजेश पवार, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष अशोक पाटीदार, जितेंद्र नेताजी, नरपत सिंह चेयरमैन, शोभाल सिंह ठाकुर, देवकरण सिंह सरदार, बाबूलाल जी जाटव आदि मौजूद थे। न्यूज इंडिया NIN से अंकित हारोड़ की रिपोर्ट। हमारे यहाँ वर्षों से जो है परंपरा चली आ रही है, हमारे पूर्वज दशहरा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और यहाँ पर रामलीला मंडल है जो वर्षों से 10 दिन रामलीला चलती है रामलीला मैदान मंदिर प्रांगण में। उसके बाद आखिरी के दिन यानी कि 12 के दिन विजयदशमी को जो है जावर में रहता है, 11 को खड़ी में रहता है और 12 को शासन से हमारा कजलास का दशहरा निर्धारित है, जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं। राम बारात 2 बजे मंदिर से प्रारंभ होकर 4 बजे दशहरा मैदान पहुंचती है। यहाँ पर 4 बजे से 6 बजे तक रामलीला का मंचन चलता है। 7:30 बजे रावण दहन होता है, उसके बाद राम राज्याभिषेक होता है। यहाँ पर रात्रि कार्यक्रम भी रहेगा। इसके बाद सब लोग गले मिलते हैं, हंसी खुशी से भोजन पानी से निवृत्त होने के बाद रात्रि 9 बजे से देर रात तक सांस्कृतिक और अच्छे अच्छे कार्यक्रम रात भर चलते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर किस प्रकार आपके यहाँ पर मीटिंग बैठक रखी गई, क्या उद्देश्य था बैठक? यहाँ दुर्गा उत्सव को लेकर के यहाँ लोगों से मिलना था, इसलिए हमने यहाँ मीटिंग आयोजित की थी। जी सर।